ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अगले माह 8 फरवरी को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव की चर्चा अब रोचक होती जा रही है, जहां एक ओर चुनाव आयोग द्वारा की गई चुनाव की घोषणा के साथ आए विभिन्न प्रीपोल सी वोटर सर्वे में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अधिकतम 59 सीटें मिलना बताई गई हैं, वहीं अब प्रत्याशियों की घोषणा के बाद सट्टा बाजार आम आदमी पार्टी को 34 से 38 सीटें मिलना ही बता रहा है। बता दें, प्रीपोल वोटर सर्वे में आया 59 सीटों का यह आंकड़ा पिछले चुनाव में आई 67 सीटों के मुकाबले 8 सीटें कम है। इन सी वोटर सर्वे रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की जनता की पहली पसंद अरविंद केजरीवाल और दूसरे नंबर पर भाजपा के डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न मीडिया एजेंसियों द्वारा कराए गए इन सी वोटर सर्वे से हटकर हार जीत की गणित का आकलन करने वाला सट्टा बाजार अपनी ताजा तस्वीर कुछ और ही बयां कर रहा है। सट्टा बाजार के ताजा आकलन में आम आदमी पार्टी को 34 से 38 सीटें ही मिल रही हैं। यह आंकड़ा 2015 के मुकाबले से 29 सीटें कम है। वही सट्टा बाजार के आकलन के अनुसार कांग्रेस को 8 से 10 और भाजपा को 22 से 25 सीटें मिल सकती हैं। बता दें, सट्टा बाजार का यह ताजा आकलन आम आदमी पार्टी के सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद आए हैं। सी वोटर सर्वे के विपरीत सट्टा बाजार के इस आकलन की प्रमुख वजह यह बताई जा रही है कि 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को अपनी अंतर्कलह और भीतरघात के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा था, उसी तरह की परिस्थितियों से इस बार आम आदमी पार्टी को गुजरना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी सबसे पहले घोषित करके भाजपा और कांग्रेस से बाजी तो मार ली, लेकिन उसने अपने 66 मौजूदा विधायकों में से पूर्व प्रधानमंत्री के पोते आदर्श शास्त्री सहित 15 विधायकों के टिकट काट दिए, जिसके चलते टिकट कटने से इन विधायकों में अच्छी खासी नाराजगी और असंतोष है। यही नहीं, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने दल बदुओं को और सिर्फ एक दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं को टिकट दे दिया। इनमें कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा भी शामिल हैं। विनय को द्वारका से टिकट दिया गया, जहां वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री विधायक हैं। वहीं हाल ही में आप में शामिल हुए बदरपुर के पूर्व विधायक राम सिंह को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही 6 दिन पहले कांग्रेस से आप में आए शोएब इकबाल को मटिया महल विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। इनके अलावा पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी के 5 विधायक आप से बाहर जा चुके हैं। इनमें चांदनी चौक से अलका लांबा, करावल नगर से कपिल मिश्रा, बिजवासन से देवेंद्र सहरावत, सुल्तानपुर माजरा से संदीप कुमार और गांधीनगर सीट से अमिल वाजपेयी शामिल हैं। अब यहां आपने भी वही किया जो अन्य बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां करती आई हैं, कि नए लोगों के लिए पुराने लोगों को भुला दिया, जिसका की ज्यादातर परिणाम नकारात्मक ही आता है। ऐसे में अंतर्कलह होना भी लाजमी है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। टिकट ना मिलने से मौजूदा विधायकों सहित 5 साल से पार्टी की सेवा कर रहे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बदरपुर से राम सिंह को टिकट मिलने के बाद मौजूदा विधायक नरेंद्र शर्मा का पार्टी से इस्तीफा देना इसका उदाहरण है। वहीं अब टिकट कटने से नाराज इन 15 विधायकों सहित आम आदमी पार्टी के वो सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिनकी पिछले 5 साल में महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई या फिर वो किसी और कारण से नाराज चल रहे हैं, यह सभी अरविंद केजरीवाल के सपने को पूरा होने में रोड़े जरूर अटकाएंगे। आखिर यह सभी वही लोग हैं जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटों के रिकॉर्ड तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की थी। अब जब चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं तो सियासी समीकरण भी तेजी से बन और बिगड़ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की इस अंतर्कलह का लाभ उठाने के लिए भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा के पास अपनी जीत के कई दावे और आधार भी हैं। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भले ही 3 सीटें ही जीती थी, लेकिन 2017 में हुए उपचुनाव में राजौरी गार्डन सीट से भाजपा ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही MCD के चुनाव में केजरीवाल को दिल्ली में सरकार होते हुए भी हार का सामना करना पड़ा था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।